Assalamualaikum. Today we're going to discuss about the fourth wave of feminism. हम ये देखेंगे कि क्या ये feminist movement जो है ये exist करती भी है या नहीं, because new waves of feminism का बहुत चर्चा है आजकल. तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत study करेंगे. So start with the introduction. जो fourth wave feminist है ये कोई start हुई है जी around 2012. और इसका क्या मोटो है ना, एम्पावर करना है इन्होंने वेमेन को. ठीक है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन. और ये कैसे वेमेन को एम्पावर करें, बाय द यूजिंग ऑफ इंटरनेट टूल्स. अब क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रुझान आ गया है, तो आपके उसी तरह मूवमेंट्स भी जो है ना वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा इन्फ्लेक्ट हो गई हैं, इंक्लाइंड हो गई हैं. अच्छा, दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा था, अब देखिए हमारे कोर्स में, जेंडर स्टडीज़ के कोर्स में, वी हैव ओनली थ्री वेव्स. बट क्या है, देयर इज अनदर वेव जो कि फोर्थ वेव जिसको कहा जाता है. तो ये भी वेव है. और मी टू जिस तरह की मूवमेंट्स हैं, ये इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रही हैं. हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि वर्ल्ड वाइड कौन सी मूवमेंट किस तरह चलती रही हैं और उनका क्या स्टार्ट रहा है ना, किस एरिया में कौन सी मूवमेंट है और किस हैशटैग के साथ वो चल रही है, हम वो भी डिस्कस करेंगे. बट मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आप जो जेंडर स्टडीज़ का पेपर में, अब आपने सिर्फ सिलेबस पे नहीं गौर करना अब ये, क्योंकि जेंडर स्टडीज़ आपका करंट इशू है, करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, इट्स हॉट पोटैटो. तो आपने आजकल जो नई इनोवेशंस हो रही हैं इसमें, ठीक है, इसमें जो जिद्दत आ रही है, आपने उसको भी फॉलो करते रहना है. अब फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, ऑल्दो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, बट क्या है कि आपने इसको भी पढ़ना है. So the fourth wave actually seeks greater gender equality by focusing on gender norms and marginalization of women in society. Intersectionality, एक term इसमें use हो रही है fourth wave of feminism में. Intersectionality क्या है? Intersectionality एक theoretical framework है कि कैसे persons के जो social और political identities हैं person की, वो combine करती हैं and they create different modes of discrimination and privileges. ठीक है, it's a theoretical framework for understanding how aspects of a person's social and political identities combine to create different modes of discrimination and privileges. इसमें examples क्या आती हैं, gender है, aspects क्या हो रहे हैं ना, कि ये सारे aspects हैं, ये सारे sections हैं जो मिलके discrimination को enhance कर रहे हैं. gender, caste, सेक्स, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, डिसेबिलिटी, फिजिकल अपीयरेंस एंड हाइट एक्सेट्रा. सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं. ठीक है, सो इंटरसेक्शनैलिटी एंड इंटरलॉकिंग सिस्टम्स ऑफ पावर इज एम्फसाइज्ड एंड हाउ दीज कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सच एज वुमेन ऑफ कलर्स एंड ट्रांस वुमेन. अब यहाँ पे वुमेन कलर वुमेन में, वाइट और ब्लैक में, या ट्रांस वुमेन में, उनकी भी जो है इनइक्वालिटी हो रही है. ठीक है, उन पे भी फोर्सफुली चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं, या वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंडर वो भी आ रही हैं, उनके इन्फ्लुएंस में वो चीज़ें, वो जो है लेवल, या वो ग्रुप्स भी, सोसाइटी के वो ग्रुप्स भी जो है ना पेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस के अंडर आ रहे हैं. सो फोर्थ वे फेमिनिज्म एडवोकेट लाइक फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस एंड दे आर्ग्यू दैट सोसाइटी वुड बी मोर इक्विटेबल इफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेटेड द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल पीपल एंड देयर मोटो इज नन अदर देन द प्रीवियस फेमिनिस्ट्स. So fourth wave feminism also argues for equal pay, equal job opportunities, because we have already studied in the second wave feminism at that moment, या radical में जो था कि work opportunities जो हैं women के लिए और हैं, males के लिए और हैं, और women को pay भी कम किया जा रहा है. So इस जो feminist movement है इसमें वो सब चीज़ें भी address की गई हैं. इस movement में social media को, print media को बहुत ज़्यादा use किया गया है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कलैबोरेट करके इन पे जो है ना स्प्रेड की गई है कि जो वुमेन के साथ जो मिसहैप्स हो रहे हैं उनको स्प्रेड किया गया है सोशल मीडिया पे. सो दिस मूवमेंट इज मोर फेमिलियर विद द सोशल मीडिया और द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंट न्यूज़ एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू मोबिलाइज और स्पीक अगेंस्ट द अब्यूजर्स ऑफ पावर एंड सीकिंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड सीकिंग ऑफ कोर्स जस्टिस अगेंस्ट असॉल्ट एंड हरासमेंट इन प्रोमिनेंट.
हमारे पास मूवमेंट्स थे उनको थोड़े से ऑब्स्टेकल्स मिले, क्योंकि उन्हें अपना जो मोटो था वो बताते हुए थोड़ा सा हर्डल्स आते थे, ऑब्स्टेकल्स आते थे, क्योंकि अभी इंटरनेट का दौर है तो कोई भी चीज़ है तो वो अगर आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो वो वायरल हो जाती है सेकेंड्स में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसलिए उनको उनकी स्ट्रगल रियल थी एक्चुअली में, क्योंकि अभी डिजिटल मीडिया का टाइम है, अभी ये मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, आपसे कोई भी बात मीडिया में अगर कोई बात आ जाती है तो वो छुप नहीं सकती, तो इसलिए वो टाइम जो पहले वाला टाइम था वो ज़रा स्ट्रगलिंग टाइम था, जिसमें एक दूसरे को कनेक्ट करना, एक प्लेटफॉर्म पे सबको ले कराना, एक पेज पे सबको ले कराना, वो बहुत मुश्किल था। सो एक्चुअली दिस वेव इज डिफरेंट बाय इज मोर डिफाइंड बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड कैरेक्टराइज पर्टिकुलरली बाय द यूज ऑफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टम्बलर एंड ब्लॉग सच एज फेमिनिस्टिंग टू चैलेंज मिसोजिनी। लेट्स डिस्कस अबाउट लिटिल बिट ऑफ इट्स बैकग्राउंड, कब स्टार्ट हुई, कैसे हुआ। कहने को तो ये 2012 में स्टार्ट हुई है, बट उससे पहले भी यूरोप में एंड लैटिन अमेरिका में ये जो फोर्थ वेव फेमिनिज्म थी ये 1990s में स्टार्ट हो गई थी एज लिपस्टिक फेमिनिज्म, ये कंज्यूमरिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है, एंड इट स्टार्टेड टू कम टू एन एंड एंड एज फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट वर रिजेक्टिंग क्वेर थ्योरी, जो हमने क्वेर थ्योरी पढ़ी थी उस टाइम, उसकी रिजेक्शन पे ही जो है इसका स्टार्ट हुआ था। और किसी जगह पे ये भी आपको लिखने मिलेगा कि कहीं पे स्पेन में कुछ ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई 2012 में ही केस हुआ था, तो उसकी बाद भी ये स्टार्ट हुआ। एंड देन देयर कम्स इन अनदर केस जो कि इंडिया में हुआ था, वो भी गैंग रेप हुआ था, सो उसमें भी जो है ना ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद भी ये वेव जो है इसको ज़्यादा हाइप मिल गई थी। तो और यहाँ पे भी इन्होंने बताया है कि जो 2017 में एक कैंपेन, इस कैंपेन को जो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड अटेंशन मिली वो कैसे मिली, 2017 में एक मूवी जो है वो फिल्म रिवील हुई थी मोगल हार्वी वाइंस्टीन की, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात हुई थी, जितने भी केसेस स्टार्ट हुए जितने भी थे वो या तो रेप के थे, रेप कल्चर के, या वो सेक्सुअल हरासमेंट के थे, या वर्क प्लेस हरासमेंट के थे, तो उसी से ये सारी जो है ना ये कैंपिंग स्टार्ट हुई है, ये फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ है, इसका भी यही बैकग्राउंड था, ठीक है। और फिर एक डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, उसका भी बैकग्राउंड आता है उस मूवी में, फिल्म में, और उस फिल्म की वजह से इसको ज़्यादा फेम मिली फोर्थ वेव फेमिनिज्म को। और फिर अनदर जो स्टार्ट होता है विमेन्स मार्च, जो अब आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी उसका बड़ा कल्चर स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी है कि ये चीज़ वर्ल्ड वाइड हुआ था स्टार्ट, क्योंकि इंटरनेट आपके पास एक ऐसा है कि ग्लोबली जो है ना ये ग्लोबल वेव है, ये सिर्फ किसी एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट की नहीं है, इट्स अ ग्लोबल मीडिया पे ये स्टार्ट हुई, और इट्स अ ग्लोबल वेव। थर्ड वेव जो है वो भी यूथ से स्टार्ट हुई थी, ये वेव भी जो है ये न्यू जनरेशन ऑफ वुमेन से स्टार्ट हुई थी, हु हैड लार्जली नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रीवियस वेव्स थ्रू द एजुकेशन एट हाई स्कूल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी। सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से पता चली। मैं आपको बता रही थी स्पेन में अब कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, इट ट्रेस बैक टू इट्स रूट्स टू द मर्डर ऑफ एना ओरेंटिस, एक खातून का मर्डर हुआ था ऑन 17 दिसंबर 1997, शी वॉज बर्न टू डेथ बाई हजबेंड इन अ हाउस इन ग्रांडा फॉर स्पीकिंग पब्लिकली ऑन कैनाल सर अबाउट अब्यूज शी सफर्ड एट हिज हैंड्स, तो उसकी वजह से उसका मर्डर हुआ था और तब ये मूवमेंट वहाँ पे भी स्टार्ट हुई थी। इस मूवमेंट के लिए अर्ली जो इसका यूजेज था वो टेलीविजन या प्लेटफॉर्म जो था वो टेलीविजन और न्यूज़पेपर था एज द प्राइमरी सोशल नेटवर्क। दुनिया के बहुत सारे जगहों पे ये स्टार्ट रही है, अभी मैं बताती हूँ आपको अराउंड द वर्ल्ड ये कहाँ कहाँ पे रही है, कनाडा में हुई एंड नाउ और नाउ व्हाट के नाम से, इट वाज डिफरेंट, ठीक है, एक तो मी टू का हैशटैग पाकिस्तान में चलता रहा है, ठीक है, लेकिन मी टू को भी हर जगह इन्होंने वेरी किया अपने लैंग्वेज में या अपने मकसद के अकॉर्डिंग, कनाडा में मी टू वाज रिप्लेस एज एंड नाउ और नाउ व्हाट, ठीक है, इंडिया में इट वाज लाइक नॉट इन माय नेम, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में एम आई नेक्स्ट, तो ये हर जगह पे जो है
ये चेंज होता रहा. सो इट एक्चुअली हैपन इन कैनेडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड स्पेन एंड अफ्रीका. ये हर जगह पे अराउंड द वर्ल्ड ये रही है. तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स देनी है, कुछ इस तरह बताना है, तो आप ये बता सकते हैं कि दिस वेव इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, नहीं किसी एक कॉन्टिनेंट, किसी एक कंट्री की बात नहीं है. हम कुछ इसमें फेमिनिस्ट की बात करें, कोई काम जो हुआ है इन पे, फोर्थ वेव फेमिनिज्म पे, जिन्होंने लिखा है मैन एक्सप्लेन थिंग्स टू मी, अमेरिकन राइटर रिबेका सोलनेट ने लिखा है, ठीक है, ऐसे है. फिर एजेंडा बाय ब्रिटिश राइटर्स, लूसी ने लिखा, या हॉली हॉली बैक्सटर ने लिखा, ठीक है. फिर एक और सेक्स ऑब्जेक्ट मेमोयर था अमेरिकन राइटर का, एंड एवरीडे सेक्सिज्म. तो ये आप दो चार एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि करंटली इन पे काम हो रहा है, इनके बारे में लिखा जा रहा है, राइटर्स इनके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है. आई होप टिल नाउ इट्स क्वाइट. अगर कोई बात हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को. मैं आपको बताऊंगी इनके प्रोज एंड कॉन्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें लेने चाहिए फॉर द अटेम्प्ट ऑफ 2022. बिगिनर्स को, जिनको सब्जेक्ट सिलेक्शन का नहीं पता, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है. तो लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 ग्रुप्स हैं फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. कंपलसरी में तो हमें पता है कि हमारे 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, एंड दे आर ऑलरेडी सेटल डाउन कि हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, एंड दीज आर कॉमन फॉर ऑल. तो उसमें तो हमें कोई सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें हर हाल में करने ही हैं प्रिपेयर. बट जहाँ की बात है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ग्रुप 1 में हमारे पास 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी आ जाता है, ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, IR. अब इसमें मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स, वो IR और पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं रैंडमली. लाइक उनका बैकग्राउंड कुछ भी होगा ना, वो ये दो सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करेंगे. और अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके अच्छी कमांड है, तो वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे. और अगर अकाउंटेंसी और ऑडिट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रिप है उनकी फील्ड पे, तो वो उस तरफ जाएंगे. और इसी तरह इकोनॉमिक्स वाले भी, ठीक है. सेकेंड ग्रुप में हमारे पास आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री. ये हमारे पास 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो फिजिक्स वाले फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री लेते हैं. ये सब्जेक्ट्स कम कम लोग लेते हैं, बिकॉज थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं. इनका ये होगा कि अगर मतलब कोई ले ले, मैं रैंडम किसी को नहीं कहूँगी कि ले, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही लेंगे. तो अगर ये वो सब्जेक्ट्स लेते हैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो एटलीस्ट उनके लिए ये होगा कि उनको कम सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ेंगे. अगर यही वो 200 मार्क्स का ऊपर से ग्रुप 1 से ले लेते हैं, और 200 मार्क्स ग्रुप 2 से ले लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें 200 मार्क्स के 2 और सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है. तो इसी तरह वो अपने 600 मार्क्स पूरे कर लेंगे. तो ये उनके लिए मतलब कम सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा उनके लिए. लेकिन अगर जियोलॉजी वाले कोई स्टूडेंट्स हैं या मैथ्स वाले हैं, तो फिर उन्हें प्योर एंड अप्लाइड मैथ्स लेना पड़ेगा, या स्टैट्स लेंगे वो साथ में, और जियोलॉजी वाले हैं तो इसी तरह उनको भी लेना पड़ेगा. तो मोस्टली जियोलॉजी वाले या जियो फिजिक्स वाले वो ये सब्जेक्ट नहीं लेते, बिकॉज जब तक ये 200 का था तब तक तो आप ले सकते थे, बट अभी ये है 100 मार्क्स का, तो उसके बाद आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि जियोलॉजी के ऑपोजिट कुछ बनता नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 3. ये इसमें से मोस्टली लोग बिजनेस एड भी लेते हैं, बिकॉज BBA के स्टूडेंट्स हैं, वो बिजनेस एड लेंगे. पब्लिक एड इज़ वेरी कॉमन मोस्टली, या 50% स्टूडेंट पब्लिक एड ले लेते हैं. और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, ये नया सब्जेक्ट आया है जो 2016 के बाद है, तो ये भी इन ट्रेंड है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं, तो लोग कम लेते हैं. कोर्स बहुत ज़रा लेंथी है इसका, इसलिए स्टूडेंट्स ज़रा कम ऑप्ट करते हैं इसको. एंड लाइक वाइज जो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है, ये अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, या आप सिविल इंजीनियरिंग में से ताल्लुक़ रखते हैं, या कुछ भी इस तरह की फील्ड है, तो आप ये फील्ड ले सकते हैं, बिकॉज इट्स टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट. तो ये अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, टाउन प्लानिंग की तरफ जा रहा है, तो नई नई कंस्ट्रक्शन की बातें होंगी, तो आपको प्रॉबेबली कोई क्वेश्चन वो ऐसा पूछेगा जिसमें आपको कोई मॉडल जनरेट करना पड़ेगा. तो अगर आप एक बुकिश नॉलेज लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाइड पे लगा नहीं सकेंगे ना, कि आपने वो बुकिश नॉलेज आपको अप्लाइड थ्योरी बना सकें, या अप्लाइड कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकें, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा.
आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो फॉर दैट, जो जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप है, उसमें वो हिस्ट्रीज का सारा है. अब हिस्ट्रीज में हिस्ट्री ऑफ यूएसए वाज वेरी वेरी कॉमन एंड इवन नाउ अभी भी कॉमन है. हिस्ट्री ऑफ यूएसए मोस्टली लोग लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएसए और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक. बहुत कम लोग इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर लेते हैं, ठीक है. अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर लेते हैं तो आपका इस्लामिक स्टडीज़ के साथ थोड़ा बहुत ओवरलैप करेगा, ज़्यादा नहीं. ब्रिटिश एंड यूरोपियन हिस्ट्री है तो वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह से किसी के साथ नहीं करेगा. इसी तरह हिस्ट्री ऑफ यूएसए तो आपको थोड़ा बहुत कहीं पोलिटिकल साइंस या आईआर पढ़ रहे हैं तो उसमें आ जाएगा. ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्ट्री भी आईआर से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है. तो हिस्ट्री में से सबसे छोटा यूएसए है और बड़ा जो है वो पाक इन इंडिया है, इंडो पाक वाला है. कल्चर और हिस्ट्री जो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, डेफिनेटली ये भी बहुत लॉन्ग लेंथी सब है, क्योंकि जब से एडवेंट ऑफ इस्लाम है तब से ये हिस्ट्री एंड कल्चर उसका चल रहा होगा. उसकी मैंने इसका आउटलाइन देखा नहीं है, बट जो मुझे इसके नाम से पता लग रहा है तो आई बिलीव कि ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट होगा. इसी तरह ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की बात है तो ये थोड़ा ज़्यादा जो है ना, ये भी थोड़ा डिटेल्ड है. अगर आप लेना चाहते हैं इसमें से तो आई वुड रिकमेंड कि यूरोपियन हिस्ट्री ले लें. अगर ब्रिटिश लेनी है तो ले सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का आपको थोड़ा सा पाक अफेयर्स में जो है ना, क्योंकि जब ब्रिटिश राज रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो थोड़ा सा लाइक 5-10% 15% थोड़ा सा पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाएगा या उस तरह है. या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर जाएगा ब्रिटिश हिस्ट्री का, लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं. बट अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा बाकेट लिस्ट में है तो लेट्स स्टार्ट गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू. उसमें देखते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए. अच्छा नेक्स्ट है जी फिफ्थ ग्रुप. इसमें तो ईजी ईजी सब्जेक्ट्स लग रहे हैं. जेंडर स्टडीज़ है ईजी है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है ईजी है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. क्योंकि जब देखें, मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत रैंडम सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, जिनसे आप भागते होंगे. लेकिन ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको इजी लगने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ना है, ठीक है. तो जब आप किसी चीज़ के पीछे पढ़ेंगे कि आपने ये पढ़ना है तो आप पढ़ें, आपको पढ़ना ही है ना, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते बीच में कि अब तो कुछ नहीं हो सकता बस. लेकिन इस तरह नहीं ना करना. आपने आपका विद टाइम जो है ना, अभी नाम से आपको नहीं पता लगेगा, आप इसके कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका इस फील्ड के साथ कितना ताल्लुक है, कितना नॉलेज आपको थोड़ा बहुत जो ऑटोमेटिकली जो नॉलेज होता है वो कितना है, और आपको मज़ीद कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तो ये चीज़ जो है ना वो आप कर सकते हैं. फिर बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी वाले ज़रूर इसकी तरफ जाएँ. जोलॉजी टू सम एक्सटेंट स्कोरिंग भी है, इन्वायरमेंटल साइंस भी स्कोरिंग है, ईजी सब्जेक्ट. जेंडर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था, लेकिन अब जो है उसका ट्रेंड थोड़ा डाउन जा रहा है. बट इसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा टू गेट 70+ मार्क्स, ठीक है. इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट्स हैं जो लिटरेचर स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं. इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट देन गो फॉर इट. लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल होगा, बट मुश्किल तो सब कुछ है ना, आसान तो तब बनाना जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ते रहेंगे तो आसान हो जाएगा. तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी. नेक्स्ट में लॉस के सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है. क्रिमिनोलॉजी में भी आपके जो है क्रिमिनल प्रोसीजर्स, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ आ जाता है, मर्केंटाइल लॉ है, फिर मुस्लिम लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, लॉ सारा लॉ पे बेस्ड है. इफ़ यू आर गुड एट मेमोराइजिंग आर्टिकल नंबर्स एंड थिंग्स, तो आप ज़रूर लॉ में कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है. आप मर्केंटाइल लॉ ले सकते हैं, ईजी है, छोटा कोर्स है और पढ़ने में भी आसान है, ठीक है. अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें, ये हम आपको याद रख सकते हैं, तो ज़रूर इसकी तरफ जाएं. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ छोटा है. आई लॉ मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही क्योंकि बहुत सेचुरेशन है आई लॉ में. लेना है मुस्लिम लॉ थोड़ा ज़रा लेंथी हो जाएगा, बट अगर लेना है तो फिर मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ या लॉ का जेनेरिक लेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़रा थोड़ा वास्ट हो जाएगा. बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ छोटा है, मर्केंटाइल लॉ छोटा है. अगर लॉ में से कोई उठाना है ये दो उठाएं, ठीक है. नहीं तो अगर जेनेरिक सब्जेक्ट कोई उठाना है, क्रिमिनोलॉजी एक जेनेरिक सी ऑप्शन है, गो फॉर इट. वैसे तो
जैसे आई लॉ का ट्रेंड गिरा है, ड्रॉप हुआ है, तो क्रिमिनोलॉजी की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स शिफ्ट हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि ये भी मोर और लेस जेंडर स्टडीज़ की तरह ना सूनर और लेटर ये भी बहुत ज़्यादा सेचुरेट होने वाला है, तो इसलिए दूसरी ऑप्शंस देखें, फिलोसफी पे जाएं। फिलोसफी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है या माइंड बॉगलिंग सब्जेक्ट है। आपको थोड़ा सा ज़रा पढ़ने में पहले तो आपको समझ ही नहीं लगेगी कि आप पढ़ क्या रहे हैं, बट गिव इट अ ट्राई। अगर 2022 का अटैम्प्ट देना है तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तो टेक इट स्लो एंड ईजी। इतनी जल्दी भाग दौड़ में नहीं करें, बहुत टाइम है। अभी दिसंबर भी चल रहा है, दिसंबर में आप जो है ना ये सब्जेक्ट्स देखें, इनकी आउटलाइंस देखें, इनके पास पेपर्स देखें, एंड देन डिसाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास 7th ग्रुप है, इसमें जी लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेजेस के अलावा 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 लैंग्वेजेस के अलावा आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी स्टूडेंट्स लेते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच स्कोरिंग। सोशियोलॉजी बहुत दुनिया ऑप्ट करती है, स्कोरिंग भी है। ज्योग्राफी भी है, लाइक इसमें 50 to 60 के रेंज में मैक्स, मैक्स तो नहीं, मतलब एवरेज स्कोर जो होता है वो 50 to 60 की रेंज में, बहुत हो गया 65 तक आ जाते हैं। साइकोलॉजी में भी इसी तरह 50 to 65 की रेंज है। जर्नलिज्म में मास मास कॉम जो है ये अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर जो जर्नलिस्ट के स्टूडेंट्स हैं वो ही इसको ऑप्ट करें तो दैट वुड बी अ प्लस फॉर देम। बाकी आपके पास इस ग्रुप में ऑप्शन है साइकोलॉजी की, ज्योग्राफी की, और अगर लैंग्वेज लेनी है तो अगर आप पंजाबी हैं तो प्लीज़ गो फॉर पंजाबी। लेकिन पता है मैं आपको बताऊं, पंजाबी में भी ये होने वाला है कि अब क्योंकि पंजाबी बहुत दुनिया ले रही है, आप देखें हर दूसरे स्टूडेंट को उसकी, अगर आप DMC चेक करते हैं या आप किसी से पूछ लें तो हर दूसरा स्टूडेंट पंजाबी ऑप्ट करा है, ही इज़ फ्रॉम ही और शी इज़ फ्रॉम पंजाब, क्योंकि ये अब एक ट्रेंड चल रहा है। ईजी टू राइट है, ईजी टू स्पीक है, ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा लोग ले रहे हैं। फिर सिंधी का ऑप्शन आता है, सिंधी भी जो है ना, हालांकि जो सिंधी लोग होते हैं उन्हें सिंधी ऑप्ट करना चाहिए। मेरी एक दोस्त थी, उसने थी वो सिंधी बट उसने पंजाबी ऑप्ट की, शी वॉज लाइक कि मुझे पंजाबी लिखने में या सुनने में आसान है, बोलना तो उसको शायद आती थी कि नहीं आती थी, बट ये कि उसे सुननी आती थी, समझ आती थी, तो इसी वजह मैं लिख सकती हूँ। पश्तो पठान, पश्तो बहुत लेते हैं, ठीक है, तो पश्तो और पंजाबी ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, बाकी जो है वो कम लेते हैं। अगर आपकी अरबिक अच्छी है तो अरबिक भी आप ले सकते हैं, पर्शियन बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, अरबिक भी है अरबिक में, लेकिन शायद हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा हम अरबिक, जब ऑल्दो हमने 8th ग्रेड तक अरबिक तो पढ़ी भी होती है, बट यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ा ज़रा डीप आ जाएगा, हिस्ट्री वगैरह आएगी तो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते अरबिक सब्जेक्ट्स के। तो ऑल यू कैन डू इज़ के इसमें से आप जो है ना बहुत अगर हो गया तो ज्योग्राफी ले लें, क्योंकि ज्योग्राफी आपके बाकी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता है, जनरल नॉलेज के साथ करेगा, ठीक है, आपके अगर कोई और सब्जेक्ट आपने इस तरह लिया है, इन्वायरमेंटल साइंसेज लिया, उसके साथ ओवरलैप करता है, या इवन अगर आपने एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का है तो उसके साथ भी समवट और जो है वो करता है, या फिर ज्योग्राफी से आपको ये होगा कि क्लाइमेट चेंज पे कोई एस्से आता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, वाटर डिस्पोजल पे, या लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप उसमें कर सकते हैं। ज्योग्राफी में एक फिजिकल साइंसेस का एक पार्ट होता है, तो आप ये जो है ना ये चीज़ें कर सकते हैं। ज्योग्राफी आपको इस तरह थोड़ा सा जनरल नॉलेज में GS में हेल्प करेगा, आपको टू सम एक्सटेंट कहीं पाक अफेयर्स में शायद हेल्प कर दे, SA में आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा, ठीक है, नहीं तो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी तो ये बहुत सारे लोग लेते हैं, तो इसमें आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा लेना है। पंजाबी हैं आप तो पंजाबी ले लें, अभी तक चल रहा है तो लाइक ठीक है, स्कोरिंग है, बहुत भी मिनिमम मार्क्स आ जाएं तो 50 तक आ जाते हैं, ठीक है, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप थोड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लें, क्योंकि पोइट्री है ना इसमें, पोइट्री ज़्यादा होती है, तो अगर आपको अच्छी पोइट्री आती है, राइटिंग आपकी अच्छी है, क्योंकि पंजाबी में आपको 5 सवाल करने पड़ते हैं, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो स्पीड अच्छी है और प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो फिर आप इसको पंजाबी को ज़रूर ऑप्ट करें, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा एक कॉम्बो बता देती हूँ जो टिल नाउ मैंने थोड़ा सा असेस किया, या एक रैंडम ना मैं आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एक हमारा कॉम्बो हो सकता है जी इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि लोग लेते हैं, मैं भी इसको डिस्करेज तो नहीं करूँगी, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनका IR अच्छा है। IR अच्छा होने से ये होता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी सीधे हो जाते हैं, आपका नॉलेज बड़ा इस पे जो है ना, करंट अफेयर्स आपका बड़ा अच्छा हो जाता है,
तो आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो आईआर का आपको ये फ़ायदा होता है। अब अगर आईआर आपने लिया तो आईआर के साथ आप और कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे? एक कॉमन जो बना हुआ है आपका ट्रेंड आईआर के साथ, ग्रुप सिक्स में से आप आईलॉ उठाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड आईलॉ नहीं करूँगी, आईलॉ का पेपर अप्लाइड आ जाता है। तो अगर आप नहीं इतने अच्छे, आपने लॉ से कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप वो मत लें। और अगर लेना है लॉ ही कुछ लेना है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन या मर्केंटाइल लॉ लें, ठीक है। और अगर वो नहीं लेना चाहते, तो फिर ग्रुप सिक्स में से क्रिमिनोलॉजी सो फार इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ग्रुप टू में से आप कुछ भी नहीं ले सकते, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम फिजिक्स या केमिस्ट्री काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते आपके, तो नहीं लें। ग्रुप थ्री में से आप उठा लें, अगर आप बिजनेस से कुछ बैकग्राउंड है तो बिजनेस आर्ट लें, अगर वो नहीं है तो आपका आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड है तो टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट लें, वो भी नहीं है। अच्छा, अगर आप टाउन प्लानिंग लेते हैं ना, तो मैं आपको कहूँगी कि मेरे ख्याल से आपको ना एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मिलता जो मतलब थोड़ा बहुत आपको ईजी हो जाएगा। और अगर वो नहीं है तो ग्रुप थ्री में से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, ये नया सब्जेक्ट है, 2016 में आया है, तो इसको लेने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी पूरी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिसीज हैं, गवर्नेंस है, वो आपकी सीधी हो जाएगी, ठीक है। आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होगा इसमें, आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, स्टेट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। और अगर आपको वो समझ में आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान में काम किस तरह होते हैं, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर वो नहीं लेते, तो पब्लिक एड क्योंकि ज़रा कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि आप ले लें। अगर आप गवर्नेंस में थोड़ा डर रहे हैं, तो आप पब्लिक एड ले लें, वो ठीक रहेगा, आपके लिए थोड़ा सेफ हो जाएगा। पब्लिक एड का पासिंग स्कोर भी अच्छा है, ठीक है। हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट आई वुड रिकमेंड छोड़ दें, हिस्ट्री में ना लें अगर नहीं है। और अगर बहुत दे लेना, तो फिर ब्रिटिश या इंडो पाक ले लें, या यूएस से ही ले लें अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। यूएस से छोटी हिस्ट्री है ना, तो वो सब लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रुप फाइव में से जेंडर अगर नहीं लेना, इन्वायरमेंटल ज़रूर लें। और अगर इन्वायरमेंटल भी नहीं लेना, तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ले लें। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आपको जो है ना, आपके इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में ऐसे में काम आ जाएंगे। और अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो बॉटनी जोलॉजी ज़रूर लें, जोलॉजी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, लेकिन ये कि आपको इतना के फेल नहीं कराएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल भी आपको फेल नहीं कराएगा, जेंडर करा भी सकता है, इट डिपेंड्स के कैसा आपका सीन है ना, आपको आपकी प्रिपरेशन कैसी है। फिर लास्ट में वही पंजाबी हो गया, तो पंजाबी में आपको इन ईदर वे में यही कहूँगी, आप चाहे ऊपर से कुछ भी सब्जेक्ट्स ले लें, पंजाबी ज़रूर लें इफ़ यू आर पंजाबी। अगर आप पठान हैं तो पश्तो लें, अगर आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि बलोची वगैरह ये भी लें। नॉर्मली बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स नहीं लेते बलोची, उन्हें लेनी चाहिए, सिंधी वाले भी नहीं लेते, लिखने मुश्किल है, तो भाई आपकी अपनी मदर टंग है ना, आपको लिखनी बोलनी समझनी आनी चाहिए, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बातें होंगी। मतलब मुझे पंजाबी मैं शायद इतनी बोलती नहीं हूँ, ठीक है। मुझे पंजाबी लिखनी नहीं आती थी पहले से, मैंने कभी पंजाबी पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ ये किताब जब CSS की देखी है, तो ही मैंने पढ़ना शुरू किया है, और तभी मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, वरना उससे पहले मुझे पंजाबी तो मुझे नहीं पता था क्या है। ऑल दो मेरी मदर टंग है, बट मैं इतनी फ्लुएंट इसमें नहीं थी, बट मैंने पढ़ना शुरू किया, देखा, मुझे समझ में लगी, और मुझे इंटरेस्टिंग लगी। सबसे बड़ी बात, पंजाबी में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेरा सजेशन था, रफ सजेशन, जो मैं मतलब जो उनसे अगर कोई पूछेगा, तो मैं उसको ये वाले कॉम्बोज बताऊंगी, ठीक है। तो आप देख लें आपको कौन सा बेहतर लगता है, मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए, ये भी बताया कौन से स्कोरिंग हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मुझसे जितना हो सका मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।